Welcome to Grasping Chemistry. Today we are going to discuss some protecting reagents and their deprotection also. कैसे हम किसी भी ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे उनकी डीप्रोटेक्शन की जाती है. अब पॉइंट ये आता है कि हमें किसी भी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की नीड ही क्यों है. जब हम चाहते हैं कि हमारा एक मोर रिएक्टिव ग्रुप जो है वो रिएक्ट ना हो और उसी सबस्ट्रेट के अंदर हमारा लेस रिएक्टिव ग्रुप जो है वो रिएक्ट हो जाए, ठीक है. तो ऐसा करने के लिए हमें मोर रिएक्टिव ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ता है और लेस रिएक्टिव ग्रुप को हम रिएक्ट करवाते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि जो जिस ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया वो मोर रिएक्टिव था, उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई और जो लेस रिएक्टिव ग्रुप था उसने रिएक्ट कर दिया हमारे गिवन रिएजेंट के साथ. बाद में क्या करते हैं हम, हमारा जब रिएक्शन हो जाती है तो जिस ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया होता है हम उसको बाद में डीप्रोटेक्ट कर देते हैं, तो अगेन हमें वापस हमारा वही ओरिजिनल ग्रुप मिल जाता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को, कैसे हम उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे हमें उन्हें डीप्रोटेक्ट करना होता है और किस किस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से फंक्शन ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम किस रिएजेंट से है, न्यूक्लियोफाइल से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसको नोट किया है. फर्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की. नेक्स्ट हम बताएंगे स्ट्रक्चर. नेक्स्ट में है प्रोटेक्ट्स कि हम उसको प्रोटेक्ट, किस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम विच वी आर प्रोटेक्टिंग अवर फंक्शनल ग्रुप. प्रोटेक्शन मतलब कि हम कर कौन सा ग्रुप यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन और हम कैसे उनको किस रिएजेंट का यूज़ करके डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा कीटोन्स या एल्डिहाइड को हमने इसके अंदर प्रोटेक्ट करना है. किस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस से. कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किस रिएजेंट को ऐड करते हैं इसमें प्रोटेक्शन के लिए, वो है हमारा 1,2-diol. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जब 1,2-diol की हम कीटोन की प्रोटेक्शन करते हैं 1,2-diol का यूज़ करके, तो हमारे पास एक एसिटल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये वो एसिटल का स्ट्रक्चर है. इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए, एसिडिक कंडीशन में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये वाला ग्रुप क्या हो जाता है, डीप्रोटेक्ट हो जाता है और हमारे पास हमें वापस से हमारा कीटोन मिल जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन, हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी प्रोटेक्शन करनी है हमने, इसकी अल्कोहल की. OH की प्रोटेक्शन करेंगे, किस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम इसको, न्यूक्लियोफाइल से, ताकि हमारा जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन पर कुछ भी रिएक्शन ना दे सके. कैसे, क्या डालेंगे इसके अंदर ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए, ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड विद बेस. देखिए ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड बेस के साथ यूज़ करते हैं हम इसके अंदर. कैसे यूज़ होता है, बेस डालते हैं, बेस से क्या होगा, OH का जो हाइड्रोजन होगा फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा RO नेगेटिव और ये जो RO नेगेटिव है इसके अंदर हम डाल रहे हैं ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड. दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन द सिलाइल ग्रुप क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर पुश कर देगा और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, RO सिलिकॉन R3. ये देखिए RO सिलिकॉन R3 की फॉर्मेशन हो गई. जो स्ट्रक्चर हैं इस सीरीज में वो ये सब स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटेक्ट होने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, वो सब मैंने इस स्ट्रक्चर के अंडर लिखा है और उस स्ट्रक्चर का है क्या नेम, ट्राई अल्काइल सिलाइल जिसको हम यूज़ करते हैं. एक जो बहुत ही फेमस रिएजेंट है जो यूज़ किया जाता है OH की प्रोटेक्शन के लिए, सिलिकॉन बेस्ड ही रिएजेंट है वो, उसको बोलते हैं TBDMS. ये नेट में काफ़ी बार आया है TBDMS. इसका नेम क्या है कंप्लीट, टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड. ठीक है, दोबारा से मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रही हूँ एक बार, सिलिकॉन टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल. देखिए मतलब कि दो तो इस पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल, एक रिएजेंट लगा हुआ है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल का और साथ में क्या है, क्लोरीन. ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास TBDMS का. अब बात आती है कि अगर हमारे पास, हमने इसकी प्रोटेक्शन करी, हमारे पास एक RO सिलिकॉन R3 टाइप स्ट्रक्चर बना, इसको हम अब डीप्रोटेक्ट कैसे करेंगे. डीप्रोटेक्ट इसको मेनली जो किया जाता है डेट इज़ विद
फ्लोरीन बेस्ड रिएजेंट से, ठीक है। वो फ्लोरीन बेस्ड रिएजेंट से ये जल्दी डीप्रोटेक्ट हो जाते हैं बिकॉज सिलिकन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए फ्लोरीन और का बॉन्ड सिलिकन के साथ काफ़ी जल्दी बन जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो फ्लोरीन बेस्ड रिएजेंट जो यूज़ किया जाता है यूजली डैट इज़ TBEF। नेक्स्ट जो प्रोटेक्शन होगी हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल की प्रोटेक्शन करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट ना करे, तो हमें इसको इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना होगा, किसको यूज़ करना होगा, हमें टेट्राहाइड्रोपाइरानिल, ठीक है। ये क्या है, देखिए हमें इस रिएजेंट को यूज़ करना होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, OH की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा था वहाँ पर भी। तो ये हमारा यूज़ होगा रिएजेंट विद एसिड, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, हमारे टेट्राहाइड्रोपाइरानिल की, विच इज़ THP। आपने कई बार देखा होगा कि ROH के अंदर कई बार ये कन्वर्ट हो रहा होता है RO THP, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने OH की प्रोटेक्शन कर दी है ताकि हमारा जो OH है वो आगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट ना करे। अब हम RO THP की डी प्रोटेक्शन किससे करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। नेक्स्ट है हमारा, हमने प्रोटेक्शन करनी है हमारे अल्कोहल की ही, ठीक है। हम तीन टाइप से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अल्कोहल को। फर्स्ट हमने डिस्कस किया सिलिकॉन बेस्ड रिएजेंट से प्रोटेक्ट करना ताकि हमारा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट ना कर सके। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया THP से प्रोटेक्ट करना ताकि हमारे बेस से OH जो है वो रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग से हम बचाना चाहते हैं अपने रिएजेंट अल्कोहल को, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर OH की प्रोटेक्शन कर रहे हैं विद बेंजाइल ग्रुप। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास हमने रिएजेंट डाला सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड क्या है, एक बेस है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल एंड वी आर एडिंग बेंजाइल ब्रोमाइड। देखो BN ब्रोमाइड का मतलब है दिस फिनाइल देन CH2 और फिर BR। देखिए इस ग्रुप को पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजाइल, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है BN। तो अगर हम इस ग्रुप की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड इन अल्कोहल, देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ RO बेंजाइल ग्रुप आके जो है सब्सटीट्यूट हो जाता है। अब हम इसकी डीप्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वी कैन डीप्रोटेक्ट ओ बेंजाइल विद H2PDC या HBR से। तो जैसे ही हम ROCH2PH के अंदर ऐड करेंगे H2PDC, तो हमारे पास क्या होगा, इस OCH2 का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजिनोलिसिस हो जाएगी एंड देन देर विल बी अ डी प्रोटेक्शन ऑफ अवर OBN ग्रुप। नेक्स्ट इज हम इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि हमें प्रोटेक्शन करनी है फिनोल ग्रुप की। देखिए अब हमने सेकंड थर्ड फोर्थ में डिस्कस किया कि कैसे हम अपने नॉर्मल अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम फिनोल के OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिनोल के OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट है डैट इज वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्राइड विद MEI। ऐसे करने से क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, अल्कोहल के जो H है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और MEI तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अराइल ओ नेगेटिव। और हमने क्या डाला है इसके अंदर MEI, तो ये ओ नेगेटिव अटैक करेगा ME के ऊपर और ये आयोडीन जो है वो लीव कर जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी अराइल OMe की। एंड हाउ कैन वी डी प्रोटेक्ट दिस OMe ग्रुप, बाय यूजिंग HBr, BBr3 एंड HI, एंड ऑल्सो वी कैन डी प्रोटेक्ट इट बाय यूजिंग ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड। दिस इज द वे हाउ वी डी प्रोटेक्ट द मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है हमारा, हमने प्रोटेक्शन करनी है अमाइंस की। हमने अल्कोहल की फिनोल की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अमाइंस की प्रोटेक्शन को कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वे है टू प्रोटेक्ट द अमाइन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोटेक्शन करनी है तो हमें यूज़ करना होगा बेंजाइल ब्रोमाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है अमाइन का उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा BN के ऊपर, ब्रोमीन विल लीव आउट एज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ RNH BN। अब हम RNH BN को कैसे डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा अमाइन जो है हमें वापस मिल जाए विद H2PD। नेक्स्ट है हमारा, हमने अमीन्स की ही प्रोटेक्शन करनी है फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या था स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल, तो कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल से
प्रोटेक्ट करने कर सकते हैं अपने अमीन को विद ट्रीटिंग इट विद बेस इन द प्रेजेंस ऑफ BnOCOCl. ये क्या है हमारा बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड और यू कैन से कार्बोक्सी बेंजाइल क्लोराइड. क्या होगा बेस है RNH2 का अगेन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दिस क्लोरीन विल लीव आउट एंड देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन एंड देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. How can we deprotect it now? We can deprotect it by using H2PD, HBr and ACOH. ACOH is our acetic acid. And also you should know one thing that we can write this whole group in a short as CBZ. And sometimes it is also written as RNH-CBZ. Next is our protection of amine. Same from electrophile. We can use tertiary butyloxy carbonyl. कैसे कर रहे हैं इसकी रिएक्शन सेम RNH2 है बेस ने क्या किया हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया एंड देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ RNH-. दिस NH- विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन एंड दिस इज द प्रोडक्ट एंड हाउ कैन वी डीप्रोटेक्ट इट वी कैन डीप्रोटेक्ट अवर बॉक विद इन द एसिडिक कंडीशन यू कैन यूज एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉर दिस मेथड ऑल्सो यूज मिथेनॉलिक HCl. दिस इज अ मिथेनॉलिक HCl इज मच मोर बेटर देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस. आई विल सजेस्ट मिथेनॉलिक HCl टू डू द डीप्रोटेक्शन ऑफ बॉक एंड ऑल्सो this compound, this whole compound. As we are writing this in the short as CBZ, this can also be written in short as NH-BOC and this also repeat in the CSINH, this will also repeat. दोनों के दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा repeat होते हैं. Next है हमारा FMOC. FMOC is very much important and also very useful for the protection of amine from electrophile. We are using FMOC, we are adding FMOC chloride and then there will be a formation of a bond between the nitrogen of amine and the carbonyl of FMOC. And now the question arises that what is FMOC? FMOC is a fluorinyl methyloxy carbonyl. I will write this structure. This is fluorinyl. See. Fused ring है ये एक 6-membered, 5-membered और फिर 6-membered. इसके बाद क्या है fluorinyl methyl. Methyl कहाँ आएगा हमारे पास? ये हो गया methyl. उसके बाद क्या है हमारा oxo. तो oxygen. Next is carbonyl. C double bond O. और फिर क्या है क्लोरीन. तो अब हमारे पास क्या होगा इसके बाद नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर. तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बोनिल सेंटर पर और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा बाहर. नाउ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस कार्बोनिल ग्रुप. अब हम क्या करेंगे इसकी डीप्रोटेक्शन. डीप्रोटेक्शन FMOC की कैसे होती है बाय यूजिंग बेस स्पेशली एन अमाइन बेस. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ एसिड ग्रुप. हम एसिड ग्रुप की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग एसिड इनटू एस्टर ग्रुप बाय यूजिंग आइसोब्यूटेन विद एच पॉजिटिव एंड वी विल डीप्रोटेक्ट दिस एस्टर बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब हमारे पास ये सभी हमने प्रोटेक्टिव और डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट जो है सब डिस्कस कर लिए हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल को ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके. अब हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं. हमारे पास क्या गिवन है फिनाइल MDBr गिवन है ठीक है. बट हमें फॉर्म किस चीज़ की करनी है हमें बनाना ये है ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है देखो. तो अगर हमने फिनाइल एक्टिव को लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये कहाँ पर अटैक करेगा ये अटैक करेगा हमारे कार्बोनिल सेंटर पर ठीक है. अब हम बात करें तो ये भी तो हमारा कार्बोनिल सेंटर ही है बट ये यहाँ पर अटैक नहीं करेगा ये यहाँ अटैक करेगा. क्यों बिकॉज कीटोन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसका कार्बन एज कम्पेयर टू एस्टर. बट हम अगर अपना प्रोडक्ट देखें प्रोडक्ट में हमें कहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है एस्टर वाली साइड से कार्बोनिल वाली साइड से नहीं. तो इसका मतलब ये है कि हमें कार्बोनिल वाली साइड को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और फिर हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी एस्टर वाली साइड की और अगेन हमें इसको डीप्रोटेक्ट करना होगा ठीक है. तो यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम प्रोटेक्शन करते क्यों हैं ताकि हम मोर रिएक्टिव ग्रुप को इन्वॉल्व कर सके किसी और के साथ ताकि हमारा लेस रिएक्टिव ग्रुप जो है वो रिएक्ट कर जाए. तो लेट अस स्टार्ट दिस. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा प्रोटेक्शन होगी हमारे इस कार्बोनिल ग्रुप की.
तो हम कार्बनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? डाइऑल की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी कार्बनिल ग्रुप की, और हमारे पास एस्टर ग्रुप एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये एस्टर ग्रुप की प्रोटेक्शन नहीं करता। अब हमारे पास रिएजेंट कौन सा गिवन था, फिनाइल MgBr, ठीक है, जिसमें से हमारे पास क्या मिलेगा, फिनाइल नेगेटिव। दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल सेंटर एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन द ऑक्सीजन विल कम बैक एंड देन देर विल बी अ रिमूवल ऑफ दिस OET ग्रुप एंड नाउ देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस फिनाइल ग्रुप। ओके, एज दिस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज इन एक्सेस प्रेजेंट, दिस अगेन अटैक एट द कार्बोनिल कार्बन लाइक दिस। दिस बॉन्ड विल गो ऑन द ऑक्सीजन एंड देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ OH फिनाइल एंड फिनाइल, ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट विच वी वॉन्टेड। तो ठीक है, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि पहली बात कि हम प्रोटेक्शन करते क्यों हैं, ताकि हम हमारे लेस रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट करा सके, मोर रिएक्टिव ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हमें इसकी डी प्रोटेक्शन करनी हो दोबारा से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, प्रोटेक्टेड ग्रुप है, बट हमें ये कैसा चाहिए, वापस कार्बोनिल के अंदर ही चाहिए, तो हम अपने इसको डी प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इन एसिडिक कंडीशन वी कैन डी प्रोटेक्ट इट। सो वी आर हैविंग दिस कार्बोनिल हेयर, दिस OH फिनाइल एंड फिनाइल, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जिसके अंदर हमें गिवन है TBDMS विद इमिडाजोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम OH ग्रुप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं विद TBDMS सिलाइल ग्रुप। अगर हम देखें तो ये देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि हम OH ग्रुप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं विद ट्राई अल्काइल सिलाइल TBDMS, और इसकी डी प्रोटेक्शन कैसे होती है, TBAF से, ठीक है। तो अभी हम ये एग्जांपल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, OH गिवन है, तो OH की पहले स्टेप में क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन OTBDMS एंड बाकी एज इट इज। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, दिस ग्रुप, ये ग्रुप क्या गिवन, ऐसे लिखा हुआ है, लिथियम कंपाउंड है जिसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिनाइल लिथियम कंपाउंड है ये, जिसके अंदर दिस कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस लिथियम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। नाउ देर विल बी अटैक ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एंड द रिमूवल ऑफ दिस ब्रोमिन ग्रुप। अब देखिए, हमें इसकी एडिशन करनी थी ताकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर अटैक करे और ब्रोमिन को बाहर ले जाए। अगर हम इसको बिना प्रोटेक्ट किए डायरेक्ट इसकी एडिशन कर देते तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता हमारे OH ग्रुप से। मतलब अगर हम डायरेक्ट इसकी एडिशन कर देते तो हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती, ठीक है। बट हमें इस कार्बन को अटैच करना कहाँ था, इस कार्बन पर, तभी हमने इस OH की क्या की, प्रोटेक्शन की, ताकि हमारा जो ये OH है वो न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल ही है ना एक, क्योंकि OTBDMS जब बन जाता है तो ये OH के ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर वही हो रहा है, जैसे हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की, हमने एडिशन की, इसने यहाँ पर अप्रोच किया, यहाँ पर अप्रोच नहीं किया, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई, दिस कार्बन, दिस दिस दिस, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है हमें, TBAF, वी नो वेरी वेल द फ्लोरिन बेस्ड रिएजेंट इज यूज फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ OTBDMS, तो हमें वापस से इस पोजीशन पर क्या मिल जाएगा, OH, और बाकी सब एज इट इज, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी आर ट्रीटिंग दिस, ये हमें सब्सट्रेट गिवन है, हमें इसको ट्रीट कराना है फर्स्ट सोडियम हाइड्राइड के साथ। सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, बेस, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर, तो इसकी क्या होगी, प्रोटेक्शन, एब्स्ट्रैक्शन हो गई। इसकी एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद क्या गिवन है हमें, ये देखिए बेंजाइल ब्रोमाइड। कई बार क्या होता है, हमने पर BN रखा होता है और हम जब एग्जाम में बैठते हैं हमें फिनाइल CH2 ही समझ में नहीं आता कि क्या ये भी BN ही है। तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि हम BN को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास प्रोटेक्शन हो जाएगी OH की CH2PH से और बाकी सब एज इट इज OTHP। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर आप इस ग्रुप को अब ध्यान से देखिए, हमें क्या गिवन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एक तरफ है हमारा OCH2PH, एक तरफ है हमारा OTHP, ठीक है। THP मतलब वही टेट्रा हाइड्रोपायरान,
ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि हम टेट्राहाइड्रोपायरान की डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बट अगर हमें डी प्रोटेक्शन करनी है ओ बी एन की तो हमें यूज करना होगा H2PDC। तो इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंट में ये तो एज इट इज रहेगा, डी प्रोटेक्शन किसकी हो जाएगी, इस ग्रुप की OTHP की। तो ये रहा हमारे पास एज इट इज और डी प्रोटेक्ट हो गया हमारा OTHP OH में। इस वाला ग्रुप क्या रहा, इंटैक्ट रहा, ये इसने रिएक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या क्या गिवन है, देखिए अगर हम इसके रिएजेंट को देखें, सबसे पहले हमें गिवन है OBN, यहाँ हमें इसमें क्या क्या गिवन है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिवन है, एक्सेस में गिवन है। तो ME क्या है, यहाँ से हमें मिलेगा ME नेगेटिव, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएजेंट है ये। एक एमी नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ गिवन है, ये गिवन है कार्बोनिल का। तो दिस एमी नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन द ऑक्सीजन विल कम बैक एंड रिमूवल ऑफ दिस OME ग्रुप। तो हमारे पास क्या बनेगा, OBN एज इट इज, क्योंकि OH को ये प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल से, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी और आगे OH CH2N CH2PH। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें किस में गिवन है, ये एक्सेस में गिवन है। तो एस अभी भी ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दोबारा से अटैक होगा हमारे MeMgBr का। ME नेगेटिव विल अगेन अटैक एट दिस कार्बोनिल सेंटर, दिस गो हेयर एंड देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ME अगेन। ठीक है, तो हमारे पास ये बना और बाकी सब एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास गिवन, H2PDC। H2PDC क्या है, रिडक्शन करता है यहाँ पे, हाइड्रोजिनोलिसिस का काम करेगा यहाँ पे, क्या काम करेगा, हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये मेरा क्या गिवन है, हम आने अभी पढ़ा NBN प्रेजेंट है, ये BN मतलब बेंजाइल फिनाइल के साथ, BN का मतलब होता है फिनाइल के साथ CH2 ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी BN प्रेजेंट है, मतलब कि OCH2PH, और हमें ये पता है कि हाइड्रोजिनोलिसिस से मतलब H2PDC की प्रेजेंस में हम OBN को भी डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और NBN को भी डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, OBN और NBN दोनों के दोनों ही H2PDC की प्रेजेंस में डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे एंड देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ OH एट दिस पोजिशन एंड NH एट दिस पोजिशन। ओके, दोनों के दोनों ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या हो गए, डी प्रोटेक्ट हो गए और बाकी सब एज इट इज रहा, देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, एमी में MgBr की एडिशन हो रही है ताकि हमारा जो एस्टर है वो रिएक्ट हो सके। फर्दर OBN और NBN की क्या हो रही है, डी प्रोटेक्शन हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपको इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कुछ समझ में आएगी कि कैसे हम अबव द प्लेन अटैक कराएंगे या बिलो द प्लेन अटैक कराएंगे उस रिलेटेड। अब हमारे पास क्या गिवन है, सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, बेस, क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ नेगेटिव आ जाएगा। BNBr क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड, किस लिए यूज होता है, OH की प्रोटेक्शन के लिए। तो मतलब कि हमारे पास फॉर्म होगी ऑक्सीजन, ये तो इपोक्साइड एज इट इज, यहाँ पे बन जाएगा OBN। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, MeOH, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर अटैक करेंगे लेस हिंडर्ड साइड से और ओपनिंग हो जाएगी इस इपोक्साइड रिंग की। तो देखिए अब इपोक्साइड रिंग हमारी प्रेजेंट कहाँ से है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ से होगा, अबव द प्लेन से। तो डेट मीन्स कि ये OME कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन से, और ये जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और OBN एज इट इज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, TBDMS विद बेस, तो TBDMS क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है OH की, तो इस OH की क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, OME, और इसकी क्या हुई, प्रोटेक्शन, OTBDMS और OBN एज इट इज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, H2PDC क्या करता है, रिडक्शन करता है, किसको डी प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोजिनोलिसिस के थ्रू OBN को डी प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा OBN प्रेजेंट है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डी प्रोटेक्शन एंड देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा,
OH, आगे क्या गिवन है हमारे पास? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल के अंदर. तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर था प्रोटेक्शन का OH के. और आपको पता होना चाहिए कि हम OTPDMS को डीप्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी H2PDC का यूज़ नहीं करते, हमेशा फ्लोरिन बेस्ड रिएजेंट का यूज़ किया जाता है. और H2PDC का यूज़ करते हैं फॉर द डीप्रोटेक्शन ऑफ OBN. अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा. इसमें क्या यूज़ हो रहा है, H2PDC यूज़ हो रहा है. और हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लीजिए. O इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट है OMe. यहाँ पर क्या किस क्या है, OCH2OMe. और यहाँ पर क्या है, OCH2PH. तो हमें पता है H2PDC का यूज़ हम किस लिए करते हैं, फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ OBN ग्रुप. OBN ग्रुप कहाँ पर हमारा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसकी डी प्रोटेक्शन हो जाएगी और ये सब जो है एज इट इज़ रहेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, हमें ये बताना है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ हुआ ताकि हमारा, देखिए बाकी सब कैसा है, एज इट इज़ है. सिर्फ कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे चेंज है और यहाँ चेंज है. NH BOC कन्वर्ट हो रहा है NH2 में. तो हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में इस वीडियो के, कि NH BOC की जब हम डी प्रोटेक्शन करते हैं हमें यूज़ करना होता है एसिडिक कंडीशन को, H पॉजिटिव H2O या मिथेनॉलिक HCl को यूज़ करेंगे ताकि हमारा NH BOC जो है वो कन्वर्ट हो जाए NH2 के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.